मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय संतान प्राप्ति। लंबे वर्षों से शादी के बाद, कई वर्षों बाद जिन बहनों के संतान प्राप्ति नहीं होती है, संतान सुख नहीं मिलता है, या किसी ने संतान बंधन योग करवा रखा है, जादू डोना करवा रखा है, उसकी वजह से कभी कभी संतान में विलम्ब होता है, तो आज का विषय संतान प्राप्ति कैसे करें, घरेलू उपयोग से, घरेलू चमत्कारिक विधि से संतान प्राप्ति का योग कैसे बने, वो आज का मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ। बहनों से निवेदन है, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अनेक फायदेमंद विधि उपाय मैं आपको बताता रहूँगा और आप तक पहुँचता रहेगा। तो इसमें उन बहनों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा जो संतान प्राप्ति से दुखी है, या वर्षों से शादी के बाद संतान योग नहीं बन रहा है, और डॉक्टर का कोर्स लेके थक गए हैं, दवाई में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। तो माताजी की कृपा से, माँ काली को मैं आराधना भक्ति करता हूँ, माँ काली को पूछता हूँ, माँ काली की कृपा से मैंने ये प्रयोग सिद्ध किया है, और मेरे को विश्वास है आप ये प्रयोग घर पे करोगे तो दावे के साथ कहता हूँ आपका संतान योग अवश्य बनेगा। इसमें ज़्यादा कोई खर्च आने वाला नहीं है, घरेलू उपयोग है, और इस विधि, इस प्रयोग में घरेलू वस्तु का प्रयोग ही होता है। हो सकता है मेरे एक छोटे से आपको वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है, आपके घर में खुशी आ सकती है और आपकी संतान योग का योग बन सकता है। तो आप जरूर वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप घरेलू उपयोग से लंबे वर्षों से संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो आपका गर्भ, आपके गर्भ में संतान योग कैसे बनेगा वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बहनों को अपना पहना हुआ पुराना कपड़ा लेना है, और अपने पति का भी पुराना पहना हुआ कपड़ा थोड़ा लेना है। लेने के बाद में और इसके ऊपर पति पत्नी का जॉइंट में ऊपर नीचे फोटो रखना है, और उसके बाद में एक नींबू रखना है। इस नींबू के ऊपर 5 फूंक मारना है, 5 फूंक मार के नींबू रखना है, और 5 इलायची रखना है, और 5 इलायची के ऊपर भी 5 फूंक मारना है, और थोड़ी काली उड़द रखना है, और थोड़ा काला तिल रखना है। ये वस्तु आपको घर में मिल जाती है, ये वस्तु का प्रयोग करना है। अब इसको ऐसे फोल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड करके इसको लाल धागे से इसको बांधो और गांठ लगा दो, ऐसे बांध के। अब आपको एक मंत्र करना है, ओम हीम क्लीम मम संतान प्राप्ति कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे आपको 21 मंत्र करना है। और विशेष करके ये प्रयोग जब आपको मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म के समय में करना है, और रात को करना है। रात को जब 9-10 बजे आप सोने जाते हो, तो पति पत्नी जिस रूम में सोते हो उस रूम में ये प्रयोग करना है, और ये मंत्र बोल के, और इसको अपने बिस्तर के नीचे रखना है, जो पति पत्नी आप सोते हो बिस्तर के नीचे रखना है, और ये एक बार बिस्तर के नीचे रखने के बाद में इसको हटाना नहीं है, जब तक आपका मासिक धर्म चलता रहेगा 5-6-7 दिन, तब तक ये बिस्तर के नीचे ही रखना है। और शाम को सोते समय जो मैंने मंत्र दिया है वो मंत्र जरूर आप कीजिए, और रात को सो जाइए, और जब आपका मासिक धर्म का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो बिस्तर से इसको निकाल के जो नींबू है, तो अपने पति के ऊपर 21 बार घुमाना है, आपके ऊपर 21 बार घुमा के इस नींबू को पानी में छोड़ दीजिए। और जो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु को इसको जलाना है। जलाने के बाद में जो इसकी राख बनती है, पानी बनती है, शुद्ध कपड़े में थोड़ी पानी लेके शुद्ध कपड़े में गांठ लगा के बांध दो, एक पोटड़ी बना दो, और वो पोटड़ी जब आपका मासिक धर्म पूरा हो जाता है, आप स्नान कर लेते हो, उसके दूसरे दिन बाद पुनः वो राख पानी को पोटड़ी बना के अपने बिस्तर के नीचे रख दीजिए, और उसके बाद में आप पति पत्नी सहन कीजिए। मेरे को विश्वास है कि आपके 1.25 महीने में गर्भ योग बनेगा, और आपके आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे पेट में गर्भ है। जरूर ये प्रयोग कीजिए और अपने घर में खुशियां लाए, और संतान प्राप्ति का जो मैं आज का प्रयोग बताई हूँ जरूर कीजिए, और संतान प्राप्ति आपके अवश्य होगी। जरूर ये प्रयोग कीजिए, आपके गर्भ अवश्य बनेगा, और माता जी की कृपा से 9वें महीने में आपके घर में खुशी आएगी।